नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3.5। इसमें कह रहा है ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये ईएमएफ दे रखा 16 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का है 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, कह रहा है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, और पैरेलल में हो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वाले भी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं। देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल है ना, तो देखो अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है ना, ठीक है, तो इसमें ये कर देना अगर दो है, ठीक है, तो इनका हाफ हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, है ना, और वो कैसे हुआ, देखो पैरेलल में है ना, तो 1 आर इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 को मान ले लो 1 प्लस 1, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 1 सॉरी 2 अपॉन 4, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 2, मतलब 2 ओम आ गया। समझ में आया, मतलब हाफ हो गया, क्लियर हो गया, है ना, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इन इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर दो दे रखे हो ना तो डायरेक्टली करना आप, देखो 12 इंटू 6 और 12 प्लस 6 यानी 12 प्लस 6, ठीक है, तो कितना होगा, देखो 12 इंटू 6 और ये होगा 18, ठीक है, 6 3 18 और 3 4 12, मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कैसे आया, वो ये भी वैसे ही आया। ठीक है, देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी निकाले थे ना 2 ओम, ठीक है, और उसका देखो वो भी पैरेलल में, ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 इंटू 6 एलसीएम, तो ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 12, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 12 इंटू 6 12 18, ठीक है, 6 3 18 3 4 12, ठीक है, 4, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 4 ओम। क्लियर, ये आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, अब देखो ये कितना है, इसको इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दो, ठीक है, कितना है 2 ओम का, और ये दे रखा 1 ओम, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। क्लियर, ठीक है, तो देखो ये हो गए 6 वोल्ट, ठीक है, तो इसके ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या करोगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करोगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, तो कितना हो गया 4 6 7 7 ओम, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की पता लग गया। ठीक है ना, तो इसमें देखो करंट भी निकाल लो, करंट I इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन ईएमएफ अपॉन R प्लस, अगर देखो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा हो ना तो ऐसे करना R प्लस R, ठीक है, तो देखो I इक्वल टू EMF 16, ठीक है, अगर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस दे रखा है तो एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, EMF की जगह पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, लेकिन यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो देखो ये 7 हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 ओम का, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर करंट, मतलब I इक्वल टू कितना आ गया 2 एम्पियर। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, है ना, अब आपको पहला कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब 7 ओम आ गया। क्लियर, ठीक है, ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर्स, हर रेजिस्टर्स में करंट निकालना है। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना, देखो इनमें क्या है, अगर डिफरेंट डिफरेंट देखो रेजिस्टेंस सेम है ना, तो जैसे यहां से 2 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, तो अब ये 2 एम्पियर किधर जाएगा, देखो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस का मतलब देखो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यहां पे सेम है, ठीक है, यहां से ये इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो करंट किधर जाएगा, आई इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन आर। ठीक है, तो अगर ये सेम है तो अगर रेजिस्टेंस जहां ज्यादा है तो करंट वहां पे कम जाएगा, और वैसे भी देखो यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब अवरोध ज्यादा है, और अवरोध में क्यों जाएगा करंट,
अरे आपको कहीं पे जाना है और कहीं से मतलब कहीं पे अवरोध ज्यादा है और कहीं पे बिल्कुल रास्ता साफ है, मतलब सड़क है, तो आप हाईवे से जाओगे या कच्चे कच्चे जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे है, ठीक है, मतलब रजिस्टर ये देखेगा कि किस साइड में रजिस्टेंस कम है, तो दोनों साइड में सेम रजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे 2 एम्पियर है ना, तो 1 एम्पियर इधर जाएगा और 1 एम्पियर इधर जाएगा, क्लियर, ठीक है। देखो यहां पे 12 एम रेजिस्टेंस है, यहां 6 ओम है, ठीक है, तो यहां ज्यादा जाएगा कंपैरिजन टू यहां पे, समझ में आया, ठीक है। अब ये 1 एम्पियर कहां से आया, 1 एम्पियर किधर से आया, ये वैसे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस से तो 2 एम्पियर आ गया ना, ठीक है, तो एक काम करो इसको I=ΔV/R होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, ΔV=, सेम है, तो आई वन इसको 1 दे देता हूं, 1 और इसको 2 वाला, ठीक है, तो I1 ΔV1=I1R1, ठीक है। तो देखो इसमें दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो डेल्टा वी वन की जगह मैं क्या कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं I2R2, ठीक है, तो इसमें पुट I2 = I2 × R2, कितना दे रखा है इसको 4 ओम, ठीक है, I1 × R1 4 ओम, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब I1 = I2 है, ठीक है, और I = I1 + I2, ठीक है, तो I कितना है 2 एम्पियर, तो I1 + I2 की जगह I1, ठीक है, तो 2 I1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, I1 = 1 एम्पियर, समझ में आया कैसे आया, ठीक है, ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब देखो इस सेकंड वाले में बताओ, उसमें तो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा ना, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और ये फिर ये दोनों ऐड हो गए, यहां पे क्या होगा 2 एम्पियर, ठीक है, और अब यहां पे निकालना है, तो वही फॉर्मूला ΔV3 = I3 और R3, ठीक है, और ΔV4 = क्या होगा, ΔV4 = I4 और R4, क्लियर हो गया, मतलब ये 3 लिया और ये हमने 4 ले लिया, क्लियर, तो ΔV4 = क्या हो गया I4 × R4, तो अब इसमें भी क्या करोगे, देखो ΔV3 और ΔV4 दोनों सेम रहेगा ना, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे I3 × R3 = I4 R4, ठीक है, तो I3 × R3 कितना दे रखा है, अच्छा 3 वाला 12 है ना, और I4 × 6, ठीक है, 6 × 2 = 12, ठीक है, तो I4 = हो गया 2 I3, क्लियर, तो I3 + I4 = है 2 एम्पियर, ठीक है, तो इसमें कौन सा पुट करोगे, I3 + I4 की जगह 2 I3 है ना 2, ठीक है, तो ये होगा 3 I3 = 2, तो I3 = आ गया 2/3 एम्पियर, क्लियर, मतलब इस वाले में कितना आ गया, करंट I3 = आ गया 2/3 एम्पियर, ठीक है, और I4 = भी निकाल लो, I4 = या इसमें पुट कर दो 2 × I3 कितना देगा 2/3, तो I4 = आ गया 4/3 एम्पियर, मतलब इस वाले में कितना करंट आ रहा है I4 = आ रहा है 4/3 एम्पियर और 2/3 एम्पियर हो गए, ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, सब में निकाल दिए, ठीक है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB VBC और VCD, मतलब VAB VBC और CD, ठीक है, तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल ड्रॉप, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो I = ΔV/R, ठीक है, तो ΔV = VAB है ना, तो I equivalent resistance, ठीक है, तो ΔVAB = 2 एम्पियर है ना, और equivalent resistance कितना 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है, इसमें आ गया 4, इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आ जाएगा 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसमें आ जाएगा 2, और इस वाले में कितना आएगा इक्विवेलेंट 4 है, तो 4 × करंट कितना है 2 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, तो देखो इसमें आया कितना पोटेंशियल VAB 4, 2 और 8, ठीक है, और इनको ऐड करोगे ना, तो देखो 8, 4, 10 और 4, 14, ठीक है, EMF 16 है, ठीक है, तो 2 पोटेंशियल ड्रॉप किस में हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस में हो रहा है, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों, क्लियर।